गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं आशीर्वाद प्यार की वजह से गाइज मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सुबह के 6 बज चुके थे और देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रखा है, और यहाँ पे फ्लाइट भी जा रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ सेम रिकॉर्ड शेयर किया। तो ये देख सकते हैं मैं स्मार्ट वॉच के हेल्प से आपको टाइम दिखा पा रही हूँ, और मेरी मेहंदी का कलर जो है काफ़ी अच्छा आया है। वैसे मेरी मेहंदी लगाने का जो शौक है ना बचपन से, लेकिन आज तक मुझे मेहंदी अच्छे से लगाने आई नहीं है। बच्चों की तरह लगाती रहती हूँ, या फिर यूँ कहे तो बच्चे भी मेरे से अच्छे मेहंदी लगा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेहंदी का कलर काफ़ी प्यारा आ चुका है, और इसे मैं अच्छे से छुड़ाने वाली हूँ। और देन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गर्म पानी लिया है गिलास में और वो पी रही हूँ। तो आज सैटरडे है और डोगो का स्कूल भी है। कल तो गई नहीं थी क्योंकि दादा दादी इसके चले गए थे, तो आज इसको स्कूल जाना है। आज इसके स्कूल में भी एक इवेंट है, मेरी गो राउंड, और उसमें बहुत सारे फेयर टाइप से झूले आते हैं। तो ये देख सकते हैं डोगो मेरी खुद से ब्रश कर लेती है, लेकिन लास्ट में मुझे खुद से करना पड़ता है उसका ब्रश। और मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा कि अपने जो हेना डिज़ाइन है उसके ऊपर सरसों तेल लगा लेती हूँ, और हम लोग बचपन से ही सरसों तेल हमेशा लगाते हैं मेहंदी के जो स्टेन आ जाते हैं, जो दाग हो जाता है कलर पे, तो हम लोग सरसों तेल लगाते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आता है खिलकर। और यहाँ पे कुछ गिरा, मुझे तो लगा कि जैसे मेरा सरसों का तेल ही गिर गया, लेकिन वो पहले से खाली बॉटल थी वो गिर चुकी है। और इसे अच्छे से मेहंदी के ऊपर तेल लगाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और आज के व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ दिखाऊँगी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आज मेरे सोसाइटी में हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज की सारी तैयारी हो रही है। और मैं हम लोग तो आज तक हरियाली तीज मनाया नहीं है। जब हम मेरे घर हरियाली तीज के लिए इनविटेशन आया था तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे व्रत करूँगी, व्रत तो करना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है। तो सबसे पहले डोगो को स्कूल छोड़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डोगो को स्कूल छोड़ने आ गई मैं, और यहाँ डोगो को स्कूल छोड़ने के लिए ना मुझे हमेशा आना पड़ता है, और हस्बैंड हमेशा कार में बैठे रहते हैं। तो एनीवेज इसको पहले स्कूल छोड़ते हैं, फिर घर जाके उनके लिए नाश्ता खाना बनाना पड़ेगा, और फिर अपना घर का काम देखना है। फिर मुझे हरियाली तीज में जाने से पहले जितनी तैयारियां होती हैं वो सब देखना, ड्रेस वगैरह और सब सारी चीज़ें। तो सबसे पहले चलते हैं घर। तो गाइस पहले ही बताया था कि आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो ये देख सकते हैं 12 बज चुके थे और मैं डोगो को स्कूल से लाने जा रही हूँ, और सनग्लास वगैरह लगाया और ये वाली कुर्ती डाली है, और यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। सनग्लास मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आई जो है ना पफी हो जाते हैं सनलाइट लगाने के लिए। ये देख सकते हैं मैं स्कूल में आ गई हूँ, डोगो को यहाँ से लेने वाली हूँ, और देख सकते हैं डोगो दौड़ के आ रही है। और इसे हमेशा खुशी रहती है कि अगर पेरेंट्स सबसे पहले आ जाए, मतलब उसे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो फिर चलते हैं घर, और घर जाने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस दोपहर के 1 बजने वाले हैं और शादी को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ घर पे। और मैं ना मार्केट में थोड़ा गई हुई थी, मतलब जो आसपास के मार्केट है PGI हॉस्पिटल के पास, बट वहाँ पे मुझे कुछ खास दिखा नहीं, जो नॉर्मल से शॉप होते वही था। और मुझे ना एक लहंगे के लिए, उस जो लहंगा मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया है, तो उसके लिए मैं एक ग्रीन कलर का दुपट्टा ढूंढ रही थी। एक्चुअली आसाम में जो हरियाली तीज है उस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास ग्रीन कलर का दुपट्टा नहीं है, तो वो दुपट्टा ढूंढ रही थी बट उधर मिला नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा तेलीबाग जहाँ पर हस्बैंड का ऑफिस है, तो अभी मैं उनसे पूछ ही नहीं हूँ, और देखते हैं अगर वो शाम तक आ पाते हैं जल्दी से तो मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी मार्केट और दुपट्टा वगैरह लेकर आ जाऊँगी। बस प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास अभी कुछ अटायर वगैरह है नहीं, शाम के पार्टी के अकॉर्डिंग जो पहन सकूँ, जो लहंगा है वो लहंगा भी चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने साड़ी का डिमांड रखा है कि साड़ी पहनेंगे, बट मेरे पास साड़ी भी है तो एक ही साड़ी है जो मम्मा के है ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या हो पाता है। होप फॉर द बेस्ट। के नीचे जो पार्क है वहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है हरियाली तीज की, और झूला वगैरह लगना स्टार्ट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आज का जो पार्टी है ना उसमें सब कुछ होगा, डांस होगा, खाना पीना, मौज मस्ती, गेम वगैरह सब कुछ होने वाले हैं, तो आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आने वाला है। तो वो देखिए वहाँ पर झूला लग चुका है पीपल के पेड़ के नीचे। काफ़ी मज़ेदार झूला है, मेरे को तो डर लग रहा है वो टूट ना जाए। तो
गाइज, आज जो मैं ब्लाउज पहनने वाली हूँ ना, वो मेरी मम्मी की ब्लाउज है और वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो रही थी, तो मुझे उसमें बंधन लगाना था, लेकिन जो बंधन की जो नीचे वाली हिस्सा होती है ना, उसमें ब्लू कलर था, तो मैंने रेड कलर लगा दिया। ये रोज़ मिला था मुझे कहीं जूड़ा वगैरह में से, तो उसमें से रोज़ का पेटल्स वगैरह निकाला और उस बंधन में लगा दिया, मतलब डोरी में लगा दिया। फिर उसके बाद मैं ब्लाउज में अटैच कर दूंगी। तो ये सारा तेड़म करना पड़ता है मुझे किसी भी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले। कितना भी मैं ड्रेस वगैरह रख लूँ, कितनी भी साड़ियाँ सजा के रख लूँ, लेकिन जब जाना पड़ता है, जब ज़रूरत पड़ता है, तो मुझे एक भी नहीं मिलता है। और आज के जो तीज सेलिब्रेशन है ना, उसमें ग्रीन कलर ही पहनना है, तो मेरे पास ग्रीन कलर के ब्लाउज़ तो बहुत सारे हैं, बट अभी के टाइम पे मिलता नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना फेस को थोड़ा सा ठीक ठाक करने, और हेयर भी मैं स्टाइल ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, सोचा कि एक्सटेंशन वगैरह लगा के काम कर लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो और हेयर फॉल की वजह से मेरी हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। और ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक सीरम सीट मास्क ली हूँ गुड वाइब्स का और राइस का, ये सीरम सीट मास्क है। और मैं इसे लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। मेरी जो बुआ की बेटी थी यानी प्रीति दीदी थी, उनकी शादी में मैंने लिया था, तब से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसे ये लगा लेते हैं। लेकिन इसे लगाने से पहले ना, मैंने इसे 10 मिनट फ्रीजर में रखा था ताकि ये ठंडा ठंडा हो जाए, और मेरे फेस पर जाने के बाद काफ़ी अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट आया। और मैं ना इसे हमेशा लगा कर सो जाती हूँ, इसको लगा के सोना तो एकदम एक अलग लेवल का सुकून है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ रोल किया है, और इसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में इसे रोल कर रही हूँ, ताकि मेरी जो स्किन की पफिनेस है, जो मेरा फेस है, वो थोड़ा सा टाइट हो जाए और अपलिफ्टेड दिखे। और इसके बाद मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, तो सोने के बाद देख सकते हैं क्या नज़ारा था, कि क्या हुआ था, ये 6 बज गए थे और 6 बजे ही हमें टाइमिंग था कि हमें जाना है, बट मुझे इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि 6 बजे पार्टी स्टार्ट होने वाली, मुझे लगा 7:30 बजे तक होगी। तो मैंने टोगो को रेडी कर दिया, फिर खुद भी रेडी हो रही हूँ, और हम दोनों माँ बेटी का ड्रेस डिसाइड नहीं था पहले से क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो मैंने बेटी को अपना वो वाला ड्रेस पहनाया जो उसके बर्थडे पे लिया था, बट पहनाया नहीं था, मेरे बर्थडे पे पहनी थी, तो वो एक ही टाइम पहनी थी, तो उसे पहना दिया। फिर मैंने ये वाला ब्लाउज पहनने के बाद मैं रेडी हो गई, अच्छे से मेकअप नहीं भी हो गया था, और बहुत बेकार लग रहे थे हम, और बिंदी बड़ी सी लगा ली थी। एनीवेज लुक तो मुझे अच्छा लगा लास्ट में, लेकिन जब मैंने ये गेटअप लेके गया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ओवर डू ना हो गया हो कहीं, मतलब मैं ज़्यादा अलग ना दिखूँ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ थी, सारे के सारे बहुत टाइम लेके अच्छे से रेडी हुए थे, सबके सब ग्रीन कलर पहने हुए थे, देख सकते हैं। और ये जो पार्टी हो रही है ना, हमारे एक जो सोसाइटी के ऑफिस है उसके ऊपर एक लॉन है, उसी में हो रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रिचुअल फॉलो की जा रही है, कि जो भी गेस्ट होती हैं, तो जो होस्ट रहता है वो उन्हें मांग टीका वगैरह लगाता है। हर पार्टी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे जो मांग टीका है ना, वो थोड़ा साइड में लग रहा, तो उन्होंने बताया कि तुमने साइड पार्टीशन किया है, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपना बाल के अंदर लगा के वो मांग टीका सेट किया है, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैदरिंग हो चुकी है। और यहाँ पे जितने भी लेडीज है, उसमें से मैं बहुत कम ही लोगों को जानती हूँ, सिर्फ 2 लोग को जानती हूँ, एक तो जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, और एक जो मेरी नई नई फ्रेंड बनी थी। तो यहाँ पे डुगू भी खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, और ये जो लड़का है ना, वो मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो दोनों की काफ़ी अच्छी जमती है, दोनों एक ही एज के हैं, तो ये दोनों खेल रहे थे, तो मैंने उनका चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से डेकोरेशन वगैरह किया गया है। और ये 3 फाइनलिस्ट थी रैंप वॉक की, तो यहाँ पे इन लोगों को कुछ दिया जा रहा था, तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, रैंप वॉक के जो रिज़ल्ट होते हैं वो पहले आ गई है, और इसके बाद रैंप वॉक देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा ये व्लॉग, ताकि आपको एंजॉयमेंट बना रहे बराबर और आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आता है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा। ओके, तो चलिए आज के व्लॉग एंजॉय कीजिए।